हाय एवरीवन, इन टेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर से, और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10.9 तक करा था। थोड़ा सा विलियमसन सिंथेसिस को हम लोग रिपीट कर लिए थे रिवाइज, क्योंकि अगला क्वेश्चन है उसी पे। तो क्वेश्चन नंबर 11.10 क्या है, कह रहा राइट द रिएक्शंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methylpentane स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल एंड 3-methylpentane टू ऑल। क्या क्या पूछ दिया है, बनाना हमें है प्रोडक्ट, यहाँ दिया हुआ है 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन बनाना है, ठीक। और कह रहा है कि तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में क्या लेना है, रिएक्टेंट के रूप में क्या लेना है, इथेनॉल। शुरू करना है यहाँ से, इसको फिर कोई चीज़ में बदलना है अपना, और दूसरा लेना है 3-methylpentane-2-ol तो इन दोनों का इस्तेमाल, मैंने ये दोनों तुमको दिया हुआ है, ठीक। अब ये दोनों को तुम क्या करोगे, किससे क्या करवाओगे ताकि ये बने, ये तुमको सोचना है बस। ये दोनों दिया हुआ है तुम्हारे पास केमिकली, इन दोनों को कैसे रिएक्ट करवाओगे ताकि वह प्रोडक्ट बने, इस बात को समझो। देखो दिया हुआ है इथेनॉल, ठीक, ये है इथेनॉल ऐसा, और 3-methylpentane-2-ol आई थिंक ऐसे होना चाहिए, यहाँ वो OH CH CH3 CH2 CH3 ऐसे ही होगा ना, हाँ ठीक। बनाना क्या है, 2-ethoxy-3-methylpentane ऐसा, CH3 CHO CH2 CH3 फिर CH CH3 CH2 CH3 दिस वन 1 2 3 4 5 इसमें नंबरिंग इधर से है 1 2 3 4 5 तो ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों से इसे बनाना है तुम्हें बस, बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस के प्रयोग से, उसके मदद से, उस रूट को फॉलो करते हुए जो विलियमसन ने बताया है हमें कैसे इन दोनों को बदलेंगे उसमें। तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एक लेते हैं अल्कोक्साइड, दूसरा लेते हैं हेलाइट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम बताए कि हेलाइट सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होना चाहिए, हेलाइट सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मान के चलो ये कंपाउंड है, जिसको हेलाइड में बदलोगे तो सपोज SOCl2 से रिएक्शन करवा दो तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और अल्कोक्साइड में बदलोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम से भी डायरेक्ट करवाओगे तो बदल जाएगा दोनों। वैसे इसका काम कर सकते हो, एक बार SOCl2 लोगे, एक बार बेस लोगे तो यहाँ से हेलाइड बनेगा ऐसा CH3 CL फिर CH CH3 CH2 CH3 और यहाँ से CH3 CH, यहाँ O- Na+ CH CH3 CH2 CH3 ऐसा। अब इसमें से कौन से दो पेयर को आप सेलेक्ट करोगे और प्रोडक्ट बनाओगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट बनाओगे या इन दोनों को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट बनाओगे, तुम्हें यह सोचना है बस। तो देखो यहाँ यह जो हेलाइड है वो 2 डिग्री है, अल्कोक्साइड तो कोई भी चलता है, अल्कोक्साइड तो हम देखते ही नहीं है, और यहाँ देखाओगे तो हेलाइड 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री हेलाइड है तो बताया उसमें अल्कीन बनने का चांसेस है, दिक्कत हो जाएगा। तो हमें हेलाइड जब भी लेना होगा तो यही लेना होगा, फिक्स है, इथेनॉल का हेलाइड लेना है और इसका तो फिर अल्कोक्साइड लेना है बस। तो कहने का मतलब कि इस कंपाउंड को SOCl2 से आप रिएक्शन करवाओगे तो पहले ये हम दोनों से करवा करके तुम्हें समझाने के लिए बताए, ठीक है, कि किसका क्या लेंगे। तो इसका हेलाइड लेना होगा, क्योंकि यदि इसका हेलाइड लिए तो सेकेंडरी हेलाइड है, वहाँ से काम बिगड़ जाएगा, अल्कीन बन जाएगा इथर के साथ साथ, दिक्कत होएगा। इसलिए इसका हेलाइड लोगे तो उसका अल्कोक्साइड लोगे। तो करना क्या है कि जो इथेनॉल दिया हुआ है सबसे पहले इस रूट को फॉलो करोगे,
क्लोरो इथेन में बदल दोगे, इसको लोगे, इस रूट को फॉलो करोगे, अल्कोक्साइड में बदल दोगे, उसके बाद अब रिएक्शन करवा दो, CH3CHO-Na+ CH CH3CH2 CH3, और यहाँ से लेना है क्लोरोइथेन ऐसे। अभी क्लोरीन यहाँ से बाहर, और ये ऑक्सीजन कर देगा इस पर अटैक, तो बना क्या CH3CHO, और यहाँ से CH2CH3 जुड़ गया ऐसे, बाकी जो है सो है, तो CH CH3 CH2 CH3 ऐसा, यही तो बनाना था ना। देखो यहाँ तो बस ये क्वेश्चन देकर के तुमसे ये जानकारी लेना चाह रहा था कि तुम्हें सच में विलियमसन सिंथेसिस का कंसेप्ट है या नहीं है, ये नहीं कि रट लिए कि हाँ विलियमसन सिंथेसिस में ये रिएक्शन करके ये बनाओ, ठीक है, इसलिए तो यहाँ उसने डायरेक्ट नहीं दिया ना, अल्कोहल देख दिया, अल्कोहल दे करके तुमसे पूछा कि भाई बताओ, अल्कोहल दे करके तुमसे पूछा गया कि अब बताओ किसका क्या लोगे, किसका हेलाइड लोगे और किसका अल्कोक्साइड लोगे, तो फिर यहाँ कंसेप्ट को जानना जरूरी था, इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करवाए थे लास्ट लेक्चर में विलियमसन सिंथेसिस को। इसी से रिलेटेड देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इस चैप्टर से यही तो दो टॉपिक हैं, एक जो अभी तुम्हें बता रहे हैं और एक जो आगे बताएंगे, अगला क्वेश्चन उसी पे है। क्वेश्चन नंबर 11.11, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene एंड व्हाई। बनाना तुम्हें प्रोडक्ट क्या है, 1-methoxy-4-nitrobenzene, ये चीज तुम्हें बनाना है। OCS3NO2, दिस इज 1-methoxy-4-nitrobenzene, ये बनाना है। इसके लिए दो सेट इसने दे करके रखा है, पहला सेट ऐसा दिया हुआ है, PrNO2 CH3O-Na+, और दूसरा सेट इसने ऐसा दिया हुआ है, NO2 है यहाँ, ONA और CH3Br, ठीक। आप पूछा है कि बताओ इन दोनों में से कौन सा सेट को आप इस्तेमाल करोगे, सेट वन वाले से वो कंपाउंड बनेगा कि सेट टू वाले से बनेगा, कि दोनों से बन सकता है, तो समझाए तो थे इसको, लास्ट लेक्चर में ही बताए थे इसको हम डिटेल में। देखो रिएक्शन है क्या कि अल्कोक्साइड है न्यूक्लियोफाइल, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल है, और जो हेलाइड वाला पोर्शन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हेलोबेंजीन है, और हेलोबेंजीन में या हेलोजन है लोन पेयर प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके तरफ रेजोनेंस होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो तुम सोचोगे कि वाला बॉन्ड को तोड़ दें और इसको फटाक से अटैक करवा करके वो बना दें, तो पॉसिबल नहीं है। और वजह हुआ यहाँ डबल बॉन्ड का आना, जो टूटेगा नहीं आसानी से, इसलिए इस सेट का यदि हम इस्तेमाल करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हेलोजन अल्काइल चेन से जुड़ा है, और हम जान रहे हैं कि अल्काइल चेन के साथ रेजोनेंस कभी होता नहीं है, तो जब यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है तो फिर आसानी से ये टूट करके बाहर जाएगा, और ये माइनस वाला कार्बन पर अटैक करेगा, देन प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आंसर में तो लिख दोगे कि सेट टू इज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene। पूछेगा क्यों, तो इसका आंसर दोगे कि इन दिस सेट द हेलाइड इज मिथाइल ब्रोमाइड एंड द कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज प्योर सिंगल बॉन्ड,
सो SN2 रिएक्शन कैन ईजिली टेक प्लेस, बट इन सेट वन द हेलाइड इज एराइल हेलाइड एंड ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट योर पॉसिबल सेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वन मिथॉक्सी फोर नाइट्रो बेंजीन. लैंग्वेज थोड़ा सा आपने से लिख देना है, बस यहाँ समझना था कि क्या है कि नहीं है. कारण पूछा जाएगा तो इसी को अपने हिसाब से लिख दोगे बस. तो ये तो बात हो गया तुम्हारा, हाँ ये बात हो गया विलियमसन सिंथेसिस का. दो क्वेश्चन रहा इससे 11.10 और 11.11. इसके बाद जो क्वेश्चन है 11.12 वह इसका सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से है, तो उस टॉपिक को पहले हम समझा ही देते हैं उसके बाद. इलेवन पॉइंट वन टू करने के लिए जो टॉपिक का कंसेप्ट चाहिए हमें उसे पहले ही बता देते हैं. रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हैलोजन एसिड ईथर का रिएक्शन हैलोजन एसिड से. कोई इस तरह का ईथर है ठीक, हैलोजन एसिड से रिएक्शन होगा H प्लस एक्स माइनस. सबसे पहले लोन पेयर से H प्लस को लेगा, एसिड बेस का रिएक्शन है यहाँ पे, तो ये R O R डैस यहाँ जुड़ गया H, इस पे आ गया प्लस ऑक्जोनियम आयन बना. अब यहाँ से सारा खेल शुरू होगा. सारा खेल शुरू क्या होगा, अब यहाँ से बचा एक्स माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ठीक. अब ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दोनों. अब ये दो चीज़ पे डिपेंड करने वाला है, यहाँ ध्यान रखोगे. पहला बात कि यदि किसी भी तरफ का बॉन्ड ले तो बनेगा कार्बोकेटायन ठीक है. इधर का ले लेगा तो R पे प्लस आएगा, इधर का लेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, मतलब कार्बोकेटायन बन जाएगा. और यदि कार्बोकेटायन बन रहा है तो वह कार्बोकेटायन यदि मोस्ट स्टेबल बने तो फिर बात बनता है वहाँ. और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब वो टर्शियरी होगा, जब वह क्या होगा टर्शियरी होगा. नहीं तो मान के चलो कि ना तो इधर टर्शियरी है ना तो इधर टर्शियरी है, दोनों तरफ प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो उस केस में कार्बोकेटायन बनने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उस केस में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा. नहीं कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा कि SN2 अटैक होगा. SN2 अटैक होगा मतलब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा वैसे तुरंत ही X- अटैक कर देगा, या तो यहाँ अटैक कर देगा या तो यहाँ अटैक करेगा. अब वो कहाँ अटैक करेगा, वो तो SN2 का फैक्टर तुमको लागू करना होगा. SN2 में स्टेरिक हिंडरेंस रोल प्ले करता है ना, तो जो छोटा ग्रुप होगा उस पर यह अटैक करेगा, सिंपल सी बात है. तो जो छोटा ग्रुप होगा, तो मान लो कि यदि इस केस में अभी R लेस देन R डैश, माने R डैश बड़ा है R छोटा है, लेकिन R डैश इज नॉट टर्शियरी, इतना याद रखना. तो उस केस में यह X माइनस R को अटैक करेगा, और R को अटैक करेगा क्योंकि ग्रुप छोटा है, SN2 इसके साथ आसानी से होगा, तो यहाँ से बनेगा R X और ये प्रोडक्ट हो जाएगा R डैश ओ एच. ऐसा माने जो बड़ा वाला ग्रुप है वो अल्कोहल बना देगा और ये हेलो अल्केन बना देगा. लेकिन यदि इन दोनों में से कोई एक टर्शियरी है, मान ले यहाँ कि R डैश थ्री डिग्री ग्रुप है, तो फिर क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूट करके पहले यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा और ये R डैश कार्बोकेटायन बनेगा. अब चूंकि यह टर्शियरी कार्बोकेटायन है, मोस्ट स्टेबल है, तो अब इसके बाद यहाँ से ही एक्स माइनस जो है अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, मतलब SN1 होगा, और तब यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा. मतलब कि इसमें SN1 SN2 दोनों होने का चांस है. SN1 तब होगा जब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनने का मतलब है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन होना चाहिए. यदि टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तब ही SN1 पॉसिबल है, प्राइमरी सेकेंडरी बन रहा है तो SN2, और जब SN2 पॉसिबल है तो SN2 में याद रखना कि हैलोजन हमेशा छोटा ग्रुप से जुड़ेगा, जो छोटा वाला ग्रुप है उससे, लेकिन यदि टर्शियरी है तो फिर वो टर्शियरी वाला से ही जुड़ेगा.
टर्शियरी मतलब कोई भी एक स्टेबल कार्बोकेटायन जैसा बनना चाहिए, तो तब हो सकता है यहाँ टर्शियरी ना हो लेकिन बेंजाइल हो, एलाइल हो, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर वहाँ से कम बन जाएगा। मतलब SN1 रूट तब फॉलो होगा जब यहाँ से कोई बड़ा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। बड़ा स्टेबल मतलब कि 3 डिग्री बने, एलाइल बने, बेंजाइल बने। तब यदि RDS ही तीनों में से कुछ है तो RDS के पास ही जाके हेलोजन जुड़ेगा, और नहीं दोनों के दोनों नॉर्मल हैं तो फिर जो छोटा है X उसके पास जुड़ेगा। बस इतना सा कंसेप्ट को याद रख लेना, काम हो जाएगा, है ना। इतना सा बात यदि ध्यान रखोगे तो आगे का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेने वाले हैं, ठीक है, याद रखना इसको कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप है तो उस केस में बड़ा वाला ग्रुप जो है सो अल्कोहल बनाएगा। RDS बड़ा है, अल्कोहल बना रहा है, छोटा वाला हेलो अल्केन। लेकिन दोनों में से कोई भी एक टर्शियरी है तो फिर टर्शियरी वाला हेलो अल्केन बनाएगा और छोटा वाला अल्कोहल बनाएगा। बस इतना सा बात को ध्यान रखें, काम हो जाएगा। इसी पे है इसका क्वेश्चन नंबर 11.12। क्वेश्चन नंबर 11.12। नंबर 1 CH3CH2CH2O CH3 रिएक्शन, इसका HBr से करवाना है। अभी तुरंत समझाए, दोनों तरफ देखो प्राइमरी ग्रुप है, इधर भी 1 डिग्री है, ये तो 0 डिग्री हो गया। कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा नहीं, मतलब SN2 फॉलो होगा। SN2 फॉलो होगा तो छोटा वाला हेलो अल्केन, बड़ा वाला अल्कोहल, मैंने बॉन्ड को यहाँ से तोड़ना होगा। यहाँ से तोड़ोगे तो H चलाएगा इस तरफ और ब्रोमीन आ जाएगा इसमें, तो यह CH3CH2CH2OH+CH3Br ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में जो है ऐसा दिया हुआ है O CH2 CH3 प्लस यहाँ भी HBr ही है। अब अगेन देखो यहाँ एक तरफ एराइल दे दिया है, अब एक तरफ एराइल दे दिया है तो हम जानते हैं कि बगल वाला एटम जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर है, और लोन पेयर है इसका मतलब कि यार रेजोनेंस शो करेगा ही करेगा, और रेजोनेंस शो करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आता है तो इस बॉन्ड का टूटना आसान है नहीं, दिक्कत होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा कि बॉन्ड यहाँ से टूटे, और जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन जाएगा एरोमेटिक रिंग की तरफ, और जिधर ऑक्सीजन जाएगा वो वाला पोर्शन अल्कोहल बनाएगा, बगल वाला हेलो अल्केन बना देगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा ब्रोमोइथेन, ऐसा फिनॉल और ब्रोमोइथेन, ठीक। नेक्स्ट नंबर 3, इसका उल्टा भी हो सकता है, एग्जाम में उल्टा दे देता है, उल्टा मैंने ऐसे कि यहाँ से ब्रोमो बेंजीन बनवा देता है और यहाँ से इथेनॉल बनवा देता, कैसे बनेगा भाई ये वाला प्रोडक्ट, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। एग्जाम में आएगा तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में तो कुछ भी इसमें दे सकता है ना, कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मेजर माइनर कुछ भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थ्री इससे रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली नाइट्रेशन है एरोमेटिक ईथर का, यहाँ इथॉक्सी बेंजीन दिया हुआ है और यहाँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एलोंग विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ऐसा। और हम जानते हैं कि यह जो मिक्सचर है इसे हम कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यदि यह नाइट्रेटिंग मिक्सचर में नाइट्रेशन होगा तो कैसे होगा, तो यह जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इथॉक्सी, ऑक्सीजन लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट है, माइनस आई भी है लेकिन प्लस आर डोमिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे, तो ऑर्थो पारा बना दो बस, ऐसा।
OC2H5। ऑर्थो पे एक बार NO2 जोड़ दो, तो 1 2 इधर चाहे इधर कहीं जोड़ो, यहाँ जोड़ दो और एक बार पारा पे जोड़ दो। OC2H5 NO2 पारा पे जोड़ दो ऐसा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से था। अब देखो यार, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात है ना, जो कि बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम में ही होता है, और बताया कि हर एक चैप्टर में तुम्हें यह पढ़ना है, हैं। इसके पहले आप हेलोएरीन पढ़े, हेलोएरीन में भी इसको देखे थे, वहाँ भी हो रहा था। अभी फिनॉल कर रहे हो उसमें भी देखे, ईथर में भी देखे, आगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखोगे, एमीन में भी देखो। तो हर एक चैप्टर में या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, और जो टॉपिक हर एक चैप्टर में पढ़ना हो इसका मतलब कि वह इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई चैप्टर से तो पूछेगा ही। तो एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का होगा ही होगा 100%। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करें इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 CS ऐसा दिया हुआ है, CH3 का होल 3CO C2H5HI। ये बेसिकली टर्शियरी ग्रुप है, CH3 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 O और यहाँ CH2 CH3 HI। नहीं ये तो मैकेनिज्म से तुम चलो क्लियर हो जाएगा। लोन पेयर से H+ दिया, CH3 C CH3 CH3, यहाँ O जोड़ दो H आ जाएगा प्लस, बन गया ऑक्जोनियम आयन। अब ऑक्जोनियम बन गया तो बॉन्ड तोड़ेगा। अब देखो इधर से यदि बॉन्ड तोड़ रहा है तो फिर 1 डिग्री अल्काइल बन रहा है, इधर से बॉन्ड तोड़ रहा है तो 3 डिग्री अल्काइल बन रहा है जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो इधर से ही बॉन्ड टूटेगा और इधर से बॉन्ड टूटेगा तो यह HO CH2 CH3 इथेनॉल बन जाएगा, और यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा। 3 डिग्री है, सोचना ही नहीं है इसके स्टेबिलिटी के बारे में, बस I- को अब जोड़ दो इसमें। तो CH3 C CH3 CH3 I, ये दोनों प्रोडक्ट हुए। मतलब डिस्कस तो किया हुआ है पहले से कि जब एक तरफ टर्शियरी और प्राइमरी हो तो फिर टर्शियरी वाला ही हेलो अल्किन बनाएगा, और बाकी में ऐसा नहीं होता। बाकी में जो बड़ा वाला ग्रुप है वो अल्कोहल बनाता है, छोटा वाला हाइड्रो अल्किन बनाता है या हेलो अल्किन बनाता है, यहाँ उल्टा। और ये सारा है मैकेनिज्म का दोष कि कभी SN2 है तो कभी SN1 है बस। तो इन टेक्स्ट में इतना ही क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। हाँ कुछ कुछ जो है एक क्वेश्चन और देखो जरा, इसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डील कर देते हैं। यही HI का ही रिएक्शन है, देखो ऐसा। HI काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ एरोमेटिक सिस्टम तुम देख रहे हो, दोनों तरफ एरोमेटिक सिस्टम केवल देख रहे हो, उसके अलावे जो अल्काइल है उस पर तो नज़र ही नहीं डाल रहे हो, हैं। यहाँ लोन पेयर है, इसके जस्ट बगल में यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब इधर वाला सिस्टम तुम्हारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हुआ। कॉन्जुगेटेड मैंने अल्टरनेट हो डबल बॉन्ड या लोन पेयर के साथ, तब इधर वाला कॉन्जुगेटेड नहीं है क्योंकि लोन पेयर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है फिर बगल में सिंगल ही है, तो यह नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस ऐसे ना होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा ऐसे, और जब इधर रेजोनेंस हुआ तो फिर यहाँ आ जाएगा ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आसानी से टूटेगा नहीं। इधर ये प्योर सिंगल है, यहाँ भी प्योर सिंगल है, यहाँ भी प्योर सिंगल है, तो ये आसानी से यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ से टूटेगा मतलब इसको मैकेनिज्म के अनुसार लेकर के चलोगे तो ये H+ सबसे पहले लोन पेयर में जुड़ेगा, ठीक है। इसको भी हम pH लिख करके चल रहे हैं, CH2 OH और इधर pH
प्लस। अच्छा अब सवाल है कि बॉन्ड इधर वाला टूटे कि इधर वाला टूटे, तो इधर वाला नहीं टूटेगा, वजह कि यहाँ जो बेंजीन लगा हुआ है इसका लोन पेयर इसके साथ है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं टूटेगा, तो इधर से ही तोड़ना होगा, और जब इधर से तोड़ना होगा तो यहाँ से अलग हो जाएगा फिनोन ऐसे, और यहाँ से बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन भी है ना, रेजोनेंस से इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन अस्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ जा करके अब आई माइनस अटैक करेगा इस पर, तो फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, उल्टा नहीं, मतलब इसको ऐसे नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं बनेगा, ये बेंजाइल अल्कोहल और आयडोबेंजीन सोच करके चलोगे तो ये नहीं बनेगा, बेंजाइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है इथर से, और यही दोनों से ही क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, या तो हैलोजन एसिड का रिएक्शन पूछेगा या तो विलियमसन सिंथेसिस पूछेगा, ठीक है, तो इतना करके रहोगे तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है पूरा। एग्जाम्पल में कुछ खास इसका है नहीं जो बताने लायक है, सारा सॉल्व किया हुआ है, देखोगे समझ में आ जाएगा। तो अगले लेक्चर से हम लोग जो है एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।